मनोज बोस, ग्रेटर नोएडा से। मनोज जी आपका भी स्वागत है। तो ओम जोशी जी आपका स्वागत है, आपका काव्य पाठ आप हम सुन लिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि जी, जी जी सभी को नमस्कार, दंडवत सभी को। मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में स्वागत। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। आज के इस काव्य पाठ में मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है ऐसे लोगों से मिलकर के आज के इस अच्छे अवसर पर। थपलियाल जी के सानिध्य में हम सब एकत्रित हुए हैं इस पर। आभार तो है ही। चलो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी मूल कविता पढ़ू, उससे पहले इस देश को नमन करता हूँ कुछ चार लाइनों के द्वारा गाकर करता हूँ। ये लाइनें मेरी नहीं है लेकिन आज का ये प्रासंगिक चीज है इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। कि देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के पास, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाप, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के भाई बहन। ओम जी, ओम जी, ओम जोशी जी, थोड़ा सा कैमरा ऊपर घुमा लीजिए, आपका सर कट रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के पल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। प्रभु से ये कामना कि हमारे देश के लोग सरल बने सरस बने, यहाँ की धरा यहाँ की माटी हमें महकाती रहे और हम सबके विकास के इस दौर में प्रभु हम सबका साथ दे, ऐसी कामना। अगली रचना मैं स्वागत है आपका। जी जी, अगली रचना मेरा शहर नाम से कविता है मेरी। मेरा शहर इसलिए कि मैं बाड़मेर राजस्थान शहर से बिलोंग करता हूँ और बाड़मेर में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गत 10-15 वर्षों से विकास का इतना ज्यादा जोर पकड़ा है। विकास ने यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज ने तेल खोजा है, गैस खोजी है, हजारों किलोमीटर की जमीन खोदकर पाइपलाइन बिछाए हैं, रिफाइनरी बन रही है, तेल का दोहन किया था, विकास हो रहा है। तो उस विकास में मेरा शहर कि नव बसंत का स्वागत करने को हूं मैं आतुर, नव बसंत का स्वागत करने को मैं हूं आतुर, नई कोपले खिलने का है मुझे भी इंतजार। बसंत आने वाला है लेकिन नई कोपले खिलने का मुझे भी है इंतजार। फागुन की लूरों को, फागुन मास में तो लूरें गाई जाती है गांवों में अभी, कि फागुन की लूरों को सुनने को उत्सुक है मेरे कान, चंग की थापों पर मटकने को, चंग की थापों पर मटकने को इतराता है मेरा अंग अंग, मधुमास के मस्त भंवरों को, मधुमास के मस्त भंवरों को गूंजते हुए उड़ते देखने को है मेरा मन, चाहूं और मधुमस्त खुशनुमा बयारों को छूने का है मेरा मन, चाहूं और मधुमस्त खुशनुमा बयारों को छूने का है मेरा मन,
वो बयारे मानो मेरे अंग अंग को करती है मदमस्त, वो बयारे वो हवाएं फागुनी कि वो बयारे मानो मेरे अंग अंग को करती है मदमस्त, एक दूसरे के मजाकिया व्यंग बानों को सुनने को हूं बेकरार, वर्षों बीत गए ऐसे मित्र वापस मिलते नहीं, ये एक दूसरे के मजाकिया व्यंग बानों को सुनने को हूं बेकरार, होली ठिठोली की मस्तियों में डूबने को हूं तैयार मैं, होली ठिठोली की मद मस्तियों में डूबने को हूं तैयार मैं हूं। और नव यौवनों की मस्त जी ऑनलाइन नव यौवनों की मस्त अलहरपन को ढूंढती है मेरी आंखें, नव यौवनों की मस्त अलहरपन को ढूंढती है मेरी आंखें, लेकिन लेकिन ये क्या हो रहा है, इस सारी मस्ती के बीच में एक चिंता उभर कर आती है मेरे मन में मेरे सवाल को लेकर कि लेकिन ये क्या हो रहा है, एक धुआं सा उठ रहा है मेरे शहर की ओर, देखिए एक धुआं सा उठ रहा है मेरे शहर पर, जो सब कुछ ढक देना चाह रहा है अपनी आगोश में, वो धुआं सब कुछ ढक देना चाह रहा है अपनी आगोश में, नई कोपलों को जलाकर राख करने को आतुर, नई कोपलों को जलाकर राख कर देने को आतुर, फागुन की लूरों और चंग की थापों को, फागुन की लूरों और चंग की थापों को, बहरों की गुंजन और फागुनी बयारों को, वो धुआं बहरों की गुंजन और फागुनी बयारों को, होली की मस्तियों और यौवनाओं के अलहड़पन को, अपने काले रंग में रंगने को आ रहा है धुआं, देखो अपने काले रंग में रंग रंगने को आ रहा है वो धुआं, ये धुआं है पावर प्लांटों का, ये धुआं है पावर प्लांटों का, ये धुआं है रिफाइनरी का, ये धुआं है तेल की खोज का, ये धुआं है गैस की खोज का, ये धुआं है जमीनों की ऊंची ऊंची कीमतों का, ये धुआं है ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर का, ये धुआं है ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर का, ये धुआं है तथा कथित विकास का। अब मानव मन कह रहा है मित्रों कि ये धुआं है तथा कथित विकास का, ये धुआं है आतुर लूटने को मेरे शहर को, ये धुआं है आतुर लूटने मेरे शहर को, कोई बचाओ रे मेरे शहर को, कोई बचाओ रे मेरे शहर को, कोई तो आओ आगे अपने शहर को, कोई तो आओ आगे अपने शहर के लिए, नव बसंत का स्वागत करने को हूँ आतुर, नव बसंत का स्वागत करने को हूँ आतुर, नई कोपले खिलने का है मुझे भी आज इंतजार, नई कोपले खिलने का है मुझे भी इंतजार। बहुत सुंदर जोशी जी, बहुत जी धन्यवाद जी जी ओम जोशी जी जी जी। पढ़िए पढ़िए जो है मैं भी आपके सामने हूँ पार्थ साहब की थपकिया। बिल्कुल सानिध्य नहीं, मैं तो बाढ़ में तो आपने बहुत कुछ दिया सर आकाशवाणी में रहते हुए, और आपका सानिध्य हमको बहुत वर्षों तक मिला था। अगली मेरी रचना है महान भूमि, भारत भूमि पर महान रचना है ये कि कितनी महान भूमि है यह, कितनी महान भूमि है यह, हम सब करें वंदन, हम सब करें वंदन, करकल दुनिया सुहाती यहाँ, करकल दुनिया सुहाती यहाँ, हर घरों में की अपनी, हर घर की अपनी एक संस्कृति है, हर परिवार की अपनी एक संस्कृति है, तो करकल दुनिया सुनाती यहाँ, हर घरों में की अपनी, सब मिल बनाती है यह राग अपने प्यारे इस भुवन की, सब मिल बनाती है यह राग अपने प्यारे इस उपवन की, कितनी महान भूमि है यह, हम सब करें वंदन यहाँ, कितनी संस्कृतियां हैं यहाँ बली इस भारत भूमि पर, कितनी संस्कृतियां हैं यहाँ बली, कितनी ही परंपराएं यहाँ बनी, सभ्यताओं को जन्म दिया जिस भूमि ने, मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुरानी हमारी सनातन सभ्यता,
कि सभ्यताओं को जन्म दिया जिस भूमि ने, गर्व है हमें उस भूमि पर, गर्व है हमें उस भूमि पर, कितनी महान भूमि है यह, हम सब करें वंदन इसको। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक परिवार की है इकाई, हम सबसे मिल बना यह देश, हम सबसे मिल बना यह देश, आओ इसे और मजबूत बनाए, आओ इसे और मजबूत बनाए, कितनी महान भूमि है यह, हम सब करें वंदन यहां पर। और कोई गुलाब कोई चमेली, कोई गुलाब कोई चमेली, चंपा से है हम यहाँ अलग अलग फूल, कि कोई गुलाब कोई चमेली चंपा से है हम यहाँ, जासमीन और जूही से महकते हुए हम फूल यहाँ, अलग अलग फूलों की माला है यह पूरा भारतवर्ष। कि कोई गुलाब कोई चमेली चंपा से है हम यहाँ, जासमीन और जूही से महकते हुए हम फूल यहाँ, आओ महकाए सुगंधहीन धरा को। आज जिस तरह से सुगंध को छीनने का प्रयास विश्व स्तर पर हो रहा है, खासतौर से कोविड को लेकर, कि आओ महकाए सुगंधहीन धरा को, है नहीं कोई और धरा पर चमन इसके जैसा, है नहीं कोई धरा पर चमन इसके जैसा, यानी भारत भूमि जैसा, कितनी महान भूमि है यह, हम सब करें वंदन। ये भारत भूमि को वंदन था मेरा, और इजाजत हो समय हो तो एक जी 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 आप बने रहिए और फिर जो है देखते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी तरफ भी आएंगे जी। बहुत अच्छा जो है आप जोशी जी और उनकी शब्दावली और पूरी दुनिया को लेकर के उनका जो अपना व्यापक दृष्टिकोण है उसे उनके कविता के माध्यम से हमें सुनने को मिला है। और अब थोड़ा हम आगे बढ़ना चाहेंगे और ये देखते हैं कि अगले हमारे कौन कवि हैं जो पैनल पर इस समय आ गए हैं, तो फिर आपसे दोबारा फिर आप मिलेंगे कुछ अगले अगले जी जी जी। सबने सुना और आशीर्वाद प्रदान किया, बहुत आनंद आया जी जी। आनंद सभी को आना चाहिए, आज का दिन ही ऐसा है जहाँ अटल जी का है, जहाँ हमें हमारे मालवीय जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहाँ निश्चित तौर से जब हम इस तरह की कविताएं सुन रहे हैं तो हम कहीं राष्ट्र से जुड़ रहे होते हैं। और मैं बताऊं आपको कि वैसे आप जानते ही हैं क्योंकि अध्यापक हैं और पूरे उसमें जो है विद्यार्थियों को पढ़ाते